यूपी के हमीरपुर जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय के बाहर डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन की इकाई अपनी 20 सूत्री मांगों को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन करते हुए सीएमओ के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। धरने पर उपस्थित फार्मासिस्ट समुदाय ने प्रभार भत्ता बढ़ाए जाने के साथ विभिन्न मांगे सरकार से की है। वहीं धरने पर उपस्थित फार्मासिस्ट समुदाय ने यह भी निर्णय लिया है कि डिप्लोमा फार्मासिस्ट एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के 20 सूत्री मांग पत्र पर यदि सकारात्मक निर्णय लेकर शासनादेश निर्गत नहीं किया जाता है तो हमीरपुर जनपद के फार्मासिस्ट संवर्ग के समस्त अधिकारी और कर्मचारी 5 दिसंबर से 8 दिसंबर तक आंदोलन करेंगे। को प्रांतीय आह्वान पर संपूर्ण उत्तर प्रदेश में फार्मासिस्ट एक दिवसीय धरना प्रदर्शन मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालयों में दे रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी को मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से कई वर्षों से लंबित मांगों को ज्ञापन भी मुख्य चिकित्सा अधिकारी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी को पहुंचाया जाएगा। ये मांगे हमारी कई साल से जायज मांगे हैं जिसकी वार्ता कई बार सचिव और प्रमुख सचिव स्तर पर और माननीय स्वास्थ्य मंत्री स्तर पर हो चुकी है। आश्वासन भी दिया गया है पर अभी तक मांगों को अमली जामा नहीं बनाया गया। उसमें जो है प्रांतीय कार्यकारिणी ने निर्णय लिया है कि पुनः एक बार सरकार को अवगत कराया जाए जिससे हमें सभी फार्मासिस्ट बंधुओं को जो मांगे हैं वो पूर्ण हो सके। फार्मासिस्ट महोदय लोग अपने भी सूत्री मांग के हेतु ये ज्ञापन दिए हैं। आज इनको हम मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने के हेतु प्रेषित कर देंगे मुख्यमंत्री कार्यालय। शुभ नाम सर, क्या है आपका पद का? डॉक्टर पी के सिंह, एडिशनल सीएमओ हमीरपुर। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @jmdnews।